नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार में कुशीनगर जिले का दुदही विकास खंड का गुरवलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, पड़ा है वर्षों से वीरान। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर विकास खंड दुदही के गुरवलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो कि वर्षों से वीरान पड़ा था, जब सीआईबी इंडिया न्यूज में इस बात की खबर चली तो अधिकारी हुए सतर्क। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चलाए जा रहे सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को गुरवलिया सह स्वास्थ्य उप केंद्र पर हुआ। बतौर मुख्य अतिथि गंगा सिंह कुशवाहा के द्वारा फीता काट कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। गंगा सिंह कुशवाहा ने कार्यक्रम के जरिए लोगों को 2 वर्षों तक आयु के सभी बच्चों व उन गर्भवती महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है जो टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत यह सुविधा नहीं पा सके हैं। दुदही के सीएचसी के चिकित्सक प्रभारी डॉक्टर एके पांडे ने कहा कि मिशन इंद्रधनुष 7 डिप्थीरिया, खांसी, बुखार, पोलियो, काली खांसी, खसरा, हेपेटाइटिस बीमारियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेगा। 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम को प्रतिक्षण अधिकारी संजय गुप्ता, विश्व स्वास्थ्य संगठन वरिष्ठ चिकित्सक अधिकारी विनय भागे, यूनिसेफ के प्रतिनिधि सुरेश चंद्र आदि ने संबोधन किया। अध्यक्षता राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त प्रधानाचार्य डॉक्टर शक्ति प्रकाश पाठक ने की। एएनएम ने बच्चों और महिलाओं का टीकाकरण किया। जैसे स्थानीय लोगों को मालूम चला कि उपकेंद्र पर विधायक गंगा सिंह कुशवाहा आए हैं, वैसे ही महिलाओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। महिलाओं ने अपनी बातों के जरिए विधायक के सामने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि जब हम ग्राम प्रधान के पास अपनी समस्या लेकर जाते हैं तो हम लोगों की बात नहीं सुनते हैं, जिससे आए दिन हमें परेशानियां उठानी पड़ती हैं। विधायक ने उनकी बात को सुन करके आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं का निस्तारण जल्द ही कर लिया जाएगा। इस कार्यक्रम में इस अवसर पर स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों के साथ साथ क्षेत्रीय जनता भी उपस्थित रही। दी जा रही है और ये मेरे संज्ञान में संज्ञान बात है, इसके लिए प्रयास करें कि स्वास्थ्य केंद्र अच्छी तैयार का यहाँ पे अगर स्वास्थ्य केंद्र बन भी रहा है तो यहाँ पे अच्छे डॉक्टरों की तैनाती की जाए ताकि बच्चों का बढ़िया से बढ़िया इलाज हो सके। इसके बारे में क्या कहना है? स्वास्थ्य केंद्र मतलब यही है, इसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इसके उधार की बात मैं कह रहा हूँ, इसका उधार में करवा दूंगा ताकि यहाँ के लोगों की सुविधा यहाँ के स्थान पर आसानी से मिल सके। और शौचालय का परेशानी बा, रास्ता हमी के सुध नहीं के, चौक रोड फूसल बटे, चौक रोड को प्रधान निकल निकाल से हमी के गुरवलिया ग्राम सभा के लैका लैकी पढ़ के बेकार बड़े से कामे धाम नहीं के मिलत। ऐजा लोग वोट खतरा होता तो बाजार में कैंप गिरा के रुपया दे के घूस दे के चल जाता, चमचा मिल के।